वेलकम, सरकारी सिलेबस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, ये वैकेंसी बेहद खास है क्योंकि बिहार में वैकेंसी आ रखी है पुलिस की, सिपाही भर्ती जिसे आप कहते हो। तो सिपाही भर्ती, सिपाही तो बिहार के बच्चे तो इसमें अप्लाई कर ही पाएंगे। साथ में अगर आप अन्य स्टेट के, मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप एमपी के हैं या आप कहीं और के भी हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट इसमें फाइट करनी पड़ेगी। और आगे इसमें डिटेल जानकारी देंगे आपको कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, और एक अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पद बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका जो है ना, आपकी कितनी रनिंग होने वाली, कितने शॉर्ट पुट, कितनी दौड़ है, और पुरुष एवं महिलाएं दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बिहार के हैं तो आप कर ही सकते हैं, अगर बिहार के अदर स्टेट के हैं, अदर दूसरे आसपास के स्टेट के भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए डिटेल में सारी बात शुरू करते हैं। तो ये जो विज्ञापन का नंबर है, आप यहाँ से देख लीजिए, इसका नंबर है 2/2019। तो 2/2019 का ये विज्ञापन जारी हो चुका है और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 11,880। तो भाई 11,000 एक बेहतरीन पद हो जाते हैं, ठीक है। तो 11,880 मतलब करीब करीब 12,000 के आसपास आपका जो वेतन है, मूल वेतन रहेगा 21,700 से 69,100 तक। तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि आपकी मंथली पेमेंट शुरुआती कितनी जाएगी, तो करीब करीब वही आपकी जाएगी जो पेमेंट 26-27,000 रुपये प्रति महीने, 26 से 27,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और इसमें आप बिहार पुलिस में सिपाही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन का नंबर है, ये 2/2019 है और आपके जो फॉर्म है कल से शुरू हो जाएंगे। आज डेट है 4 अक्टूबर और ये आपके फॉर्म 5 अक्टूबर 2019 से शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वैकेंसी है, ये आपकी बिहार सैन्य पुलिस, नॉर्मल पुलिस में और विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी में है और बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में पद हैं। तो जैसे कि रिजर्व पुलिस होती है, उसमें भी आपकी इसी से वैकेंसी कुछ निर्धारित की गई है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे चलते हुए। आगे देखते हैं हम, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको अपना फॉर्म भरना है। आप दोबारा से देख लीजिए इस वेबसाइट को, www.cbcsbc.bihar.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर पाएंगे। एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पहले इसमें आवेदन कर चुके हैं, जिनका नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 के नोटिफिकेशन में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, वो बच्चे इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, उनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपकी उम्र सीमा ज़्यादा भी हो चुकी है लेकिन आपने 2/2019 में फॉर्म, 2/2018 में फॉर्म भरा था और आपकी उम्र सीमा ज़्यादा भी हो चुकी है, तब भी उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2/2019 जो ये रिसेंट वैकेंसी आई है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी होगी एक लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा होगी कक्षा 12 के स्तर पर। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के, ठीक है, और एक प्रश्न की एक नंबर आपको मिलेंगे। और लिखित परीक्षा में जिन बच्चों के 30% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, फिर उन्हें आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो मिनिमम आपको 30% नंबर लेके आने, 30% कितने हुए, 100 का 30%, 30 नंबर हुए, तो मिनिमम आपके 30 नंबर होने चाहिए, तभी आप आगे की जो परीक्षाएं हैं जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो रिटर्न एग्जाम के बेस पर नहीं बनाई जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो बस आपको मिनिमम 30% नंबर लेके आने, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटर्न एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपके मतलब हैं वो आपकी दक्षता परीक्षा, फिजिकल कितना अच्छा करते हो, उसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है ना। पता लगे रिटर्न एग्जाम पर ही फोकस किए हो और उसमें बहुत ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो रिटर्न एग्जाम के हैं, 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है, 12,000, ठीक है। तो मैं यहाँ से दिखाऊँ, टोटल वैकेंसी कितनी है, 12,000 × 5, 12×5=60, तो करीब करीब 60,000 बच्चे जो है ना आपके रिटर्न एग्जाम से पास किए जाएंगे और इन सब बच्चों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं।
आपको कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने जो है ना मदरसा बोर्ड से पढ़ाई की है तो आपके पास मौलवी का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आपने बिहार के संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई की है, शास्त्री की डिग्री आपके पास है या आपके पास आचार्य में है, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपका कक्षा 12 पास हो किसी भी चीज़ से, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए, जो आपकी डेट्स है जिसे आप क्रूशियल डेट कहते हो, 1/8/2018, इसका मतलब 1 अगस्त 2019 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए आपके हाथ में, उसका रिजल्ट, उसकी डिग्री, आपको कक्षा 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जो अभी अपीयरिंग के स्टूडेंट, जो अभी अपीयरिंग में साल 12th में चल रहे हैं, एग्जाम देंगे, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आगे देखते हैं, आपकी उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल होनी चाहिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 18 से 27 साल, 3 साल की छूट है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोट की महिलाओं के लिए ध्यान रखिए 18 से 28 साल, 1 साल की छूट है ओबीसी की महिलाओं के लिए। और SC ST के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 18 से 30 साल तक ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं उम्र सीमा में छूट मिलती है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये सारी छूट है। सभी कोटि के आरक्षण कोटि के, ठीक है, बिहार के प्रशिक्षण बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित 5 सालों की छूट दी जाएगी। गृह रक्षक आपने सुने, होम गार्ड जिसे आप कहते हो, होम गार्ड, तो उनके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर आप जो है ना किसी बाहर के स्टेट के हो, अगर आप बिहार के नहीं हो, तो आपको कोई उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं आपकी जो है ना फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। देखिए, ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए अनारक्षित सामान्य एवं ओबीसी के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए आपकी 160 सेंटीमीटर और SC ST जाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है, और OBC के पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर। ये कुछ आपकी जो है ना ऊंचाई होनी चाहिए। और जो सीने कम, आप सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है, उन्हें इनसे छूट है, ठीक है। बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, वही आर्मी वाला है, 5 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और जो है अनुसूचित SC ST वालों के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, और गोरखा वालों के लिए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव होना चाहिए। अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मिनिमम 30 नंबर लाओगे तभी आप जो है ना इसमें बाकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ये आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा, आपका OMR बेस्ड आपका रिटर्न एग्जाम होने, मतलब बैठ के आपको गोले काले करने पड़ेंगे, उस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है। और इसके जो है ना, यहाँ से एक चीज़ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेधा सूची जो है ना लिखित परीक्षा के बेस पे नहीं बनाई जाएगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप देख पाएंगे सरकारी syllabus.com पर इसका डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। और sarkaririzult.com पर आपको इस वेबसाइट, इस जो है ना वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। अब देखिए आपका जो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है उसमें क्या क्या चाहिए। सबसे जो आप पुरुष कोटि के हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए दौड़ है 1.6 किलोमीटर की, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट से कम में रेस मार देते तो 50 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर मार दे तो 40 अंक मिलेंगे, 5:20 से 5:40 के बीच में तो 30 अंक, 5:40 से 6 के बीच में तो आपको 20 अंक। अगर आपने 6 मिनट से ज़्यादा समय लिया तो आपको वहीं पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, देखिए, ठीक है। तो 6 मिनट से ज़्यादा का यहाँ कोई चांस ही नहीं है, आपको 5 के आसपास मारनी पड़ेगी। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम लाओगे तो 50 अंक, 4 मिनट से 4:20 तो 40 अंक, और अगर आप 4:40 से 5 मिनट तक लाते हो तो 20 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए ये जो अंक हैं इन्हीं के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप भाई दौड़ भाग फिजिकल में आपको बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, सभी कोटि के पुरुषों के लिए गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक मिलेंगे,
अगर आप 16 फीट से 17 फीट का फेंकते हो तो 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट तक तो 13 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर जो आपका गोला है वो 16 पाउंड का होगा, ठीक है, इतने वजन का आपको गोला फेंकना पड़ेगा। और देखिए महिलाओं के लिए मैं ये भी बता देता हूँ, महिलाओं के लिए गोला रहेगा 12 पाउंड का, और आपको 12 से 13 फीट फेंकते हो तो 9 अंक मिलेंगे। अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हो तो आपको असफल कर दिया जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको गोला फेंक में नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए ऊंची कूद के लिए आप देख लेते हैं, ऊंची कूद कितनी चाहिए, इसमें मैक्सिमम 25 अंक हैं। 4 फीट मारते हो तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, 5 फीट तो 25 अंक। ठीक है, अगर आपने 4 फीट से कम मारा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये पुरुषों के लिए था। अब हम आपको बताते हैं महिलाओं के लिए, 3 फीट से अगर आपने कम मारा तो आपको असफल कर दिया जाएगा। 3 फीट मारते हो 13 अंक, 3 फीट 8 इंच तो 21 अंक, 4 फीट तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह अंकों का बंटवारा हो गया। ठीक है, अब आपकी जो मेधा सूची है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो बनाई जाएगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब कि तीनों दौड़ में आपने जितने नंबर लाए हो, ऊंची कूद में और आपके गोला फेंक में, इन तीनों के नंबर जोड़कर। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो आप नंबर लेके आए हो दौड़ में, ठीक है, दौड़ में प्लस ऊंची कूद में प्लस गोला फेंक में, तो तीनों के नंबर जोड़ के आपकी बनाई जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ से वैकेंसी के बारे में, सामान्य श्रेणी के अनारक्षित के लिए 4,778, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 1,188, अनुसूचित जाति के लिए 1,893, जनजाति के लिए 119, OBC के लिए इतनी, और पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से सीटें निर्धारित हैं 354। तो इस तरह 11,880 सीटें टोटल आपकी बन जाती, जो कि एक बेहतरीन वैकेंसी है। और देखिए इसके बारे में आपको बता, आरक्षण सिर्फ बिहार के जो हैं लोग हैं उन्हें ही आरक्षण मिलने वाला है। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के हैं तो आपको इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ऑनलाइन देखिए मैंने आपको डेट बताई दी, कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर देना है। फॉर्म फीस नॉर्मल बच्चों के लिए, मतलब कि OBC वालों से लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, और सामान्य वर्ग से 450 रुपये, और जो SC ST वाले हैं उनसे 112 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। ये फॉर्म फीस की बात हो गई। और आगे देखते हैं, ये देखिए इस वेबसाइट पर जाना आपको, फिर वहाँ पर बिहार पुलिस के टैब एडवर्टाइजमेंट बाई ग्रुप पे जाना है, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 पे क्लिक करके आप अपना पंजीकरण पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आप जो है ना इसमें अपनी फॉर्म भर पाएंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने के बारे में चीज़ें हैं, ये कुछ खास ज़रूरी बातें नहीं हैं। तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम, कोई ज़रूरी जानकारी होती है तो उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए किस जिले में कितनी वैकेंसी, वो भी आप देख सकते हैं। पटना में इतनी, नालंदा में इतनी, भोजपुर में इतनी, कैमूर में इतनी, बांका में इतनी, ठीक है, मुंगेर में इतनी, बेगूसराय में इतनी, जमुई में इतनी, औरंगाबाद में इतनी, नवादा में इतनी। ठीक, तो इस तरह आपकी जो है ना वैकेंसी, और ये जो PDF है मैं आपको नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से देख पाएंगे और अच्छे से इतना से डिटेल में आप जो है ना देख सकते हैं। मेधोपुर में इतनी, किशनगंज में इतनी, कटिहार में इतनी, ठीक है, और महिला सशस्त्र वाहिनी सासाराम में 3 वैकेंसी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 500 वैकेंसी, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी में 371, इस तरह 11,880 टोटल वैकेंसी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, और आपको जो है ना इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, sarkarisyllabus.com पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और इसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, वंदे मातरम।